अनलॉक 5 के तहत राज्य में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कई गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। एसएमएस स्टेडियम के खेल अधिकारी सुब्रतो सेन ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन मिलने के बाद 15 अक्टूबर से प्रशिक्षित खिलाड़ियों को स्विमिंग करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं राजमंदिर के मैनेजर अशोक तंवर ने बताया कि 7 महीने बाद राज्य सरकार की अनुमति मिलने पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी की जाएगी। 15 अक्टूबर से जारी हुई है पर अभी स्टेट का कोई गाइडलाइन आनी बाकी है, पर हमारा जैसा आप देख रहे हैं ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, ये हमने मेंटेन कर रखा है 6 महीने से। ऐसी कोई गाइडलाइन निकलती है तो जैसे हम हमारे अभी नॉलेज में आया है किसी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होगा, कंपटीशन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा तो इसमें हम केमिकल्स वगैरह साफ़ करने के लिए डालते ही हैं, तो हम इसमें लिमिटेशन करेंगे। जो अच्छे प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिस प्रभावित हुई है तो हम लिमिटेशंस के साथ यहाँ प्रैक्टिस अलाउ करवा सकते हैं और उनके अभ्यास रहेगा तो आगे कंपटीशन में सही रहेगा। हम तैयार हैं, अभी कहेंगे अभी चालू करो 10 मिनट, हम 10 मिनट अब इतने दिन से करी क्या रहे, मेंटेनेंस ही तो कर रहे हैं। सिनेमा 7 महीने बाद गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देती है उस हिसाब से हम खोलने के लिए तैयार हैं और 7 महीने से कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं।